माता ने अपने मन में विचार किया, मैं आज अयोध्या में अपने पुत्रों को राजभवन में जन्म दिया होता, अयोध्या की तोपें बरसती और अयोध्या के लोगों को पता चल जाता कि राजा राम के पुत्र पैदा हुए हैं। आज जंगल में किसको क्या पता चलेगा कि राजा राम के दो पुत्र हुए हैं। ऐसा सोचकर भगवती सीता के नेत्रों में आंसू आ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लव कुश का जन्म गंगा के किनारे बिठूर, जिसको आजकल बोलते हैं, जहां वाल्मीकि रामायण की मेरी कथा भी नवंबर महीने में होने वाली है, जहां लव कुश का जन्म हुआ था वहां पर। सज्जनों, महर्षि वाल्मीकि अपने दोनों शिष्यों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के मंगल में दिव्य चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने उसी गंगा के किनारे किया था। रघुवंश से चरितम चकार भगवान ऋषि कृत्वादुतम महाप्राज्ञ स भविष्यम सहोत्तरा। रघुवंश के मंगल में दिव्य चरित्र का वर्णन 7 कांडों में और 24,000 श्लोकों में गायत्री मंत्र के अक्षर के एक एक अक्षर से महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 मंत्रों से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना किया। लेकिन रचना करने के बाद महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे, अरे मैंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी ना कि इसको पढ़ने वाला कौन मिलेगा, सुनने वाला कौन मिलेगा। चिंता में मग्न होकर के राजा राम का ध्यान कर रहे थे, तब तक कष्ट चिंतय मानस्य महर्षेर भावितात्मन अगृहीतां ततः पादो मुनि पेशौ कुशीलवौ। भगवान राम के ध्यान में मग्न महर्षि वाल्मीकि चिंतित थे, तब तक भगवती सीता के दो जुड़वे पुत्र कुश और लव ने आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों पंचवर्षीय बालकों को देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सोचा, रे शतु मेधा मनो दृष्टा वेदेषु परिनिश्चित वेदों वपुंधरार्थाय तावत् ग्राहित प्रभु। वेदों के पढ़ने का यही पंचवर्षीय अवसर था, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने सोचा बहुत अच्छा अवसर मिल गया है, यदि इन दोनों बालकों को मैं रामायण पढ़ा दूं, ये रामायण की कथा सारे संसार के लोगों को सुनाएंगे। उस रामायण की कथा को सुनाने के लिए परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी के मंगल में दिव्य निर्मल चरित्र को संसार के सामने प्रस्तुत करने के लिए, भगवती सीता का चरित्र निर्मल है, इसलिए लिखा है काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत् पौलस्त्य बध नित्य व चकार चरितम व्रत। यह वाल्मीकि रामायण में सीता के मंगल में दिव्य चरित्र का प्रतिपादन है। रामायणम रामचरितम प्रतिपादक, यह रामायण राम का घर है, राम का चरित्र जिसमें प्रतिपादित है। लेकिन सीताया चरितम महत् जहां पर परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी के मंगल में दिव्य चरित्र का वर्णन है। सीता संबंध चरितम विशिष्टम अतेव महत्त श्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठम। भगवती सीता के मंगल में दिव्य महनीय चरित्र का वर्णन इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। इदम तो राम चरित्र प्रतिपादनम अप्राधान्येन, राम का चरित्र अप्राधान्य है, प्राधान्येन तो सीता चरित्र में। प्रधानता तो भगवती सीता के मंगल में दिव्य चरित्र का है। रामायण से रामैक परते तेनैव सदसि, यदि केवल राम का चरित्र होता तो भगवान राम नए विशारण में अपना चरित्र अपनी कथा कोई नहीं सुनता। सीता चरित्र होने के नाते भगवान राम ने लव कुश के द्वारा भगवती सीता के मंगल में दिव्य चरित्र को सुना, उस चरित्र को सुनाने के लिए भगवान श्री राम ये दोनों पुत्र कुश और लव, ये दोनों ने नैमिषारण्य में गोमती के पावन तट पर भगवान राम ने एक नई अयोध्या बसाया था। भगवान राम ने
वहां पर 1000 वर्ष का एक यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। और वह अश्वमेध यज्ञ 1000 वर्ष तक चला था नैमिषारण्य में, गोमती के किनारे, जहां पर महाराज मनु ने तपस्या किया था। मैं बताऊंगा अभी, महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बालकों को सुंदर रामायण पढ़ाया। तब तो गांधर्व तक